YouTube की कुछ ऐसी पॉलिसी है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको YouTube के पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपका चैनल मोनेटाइज ही ना हो। आप 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज के लिए रेडी ना हो। आप अप्लाई करें और लिख कर आ जाए कोई प्रॉब्लम आ गई आपके यूट्यूब चैनल पर, आप कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे एक बार के अंदर। आप यूट्यूब चैनल पर मेहनत तो करते हैं, इस वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे तो यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में आपको पता चलेगा। मैं आपको यूट्यूब के पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए क्या-क्या करना होता है, मोनेटाइज के लिए जब आपका YouTube चैनल जाता है तो YouTube क्या देखता है, YouTube पर मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले क्या करना चाहिए, YouTube पर कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और कौन सी वीडियो डिलीट करनी चाहिए और कौन सी वीडियो आपको अपने चैनल पर रखनी चाहिए। यह सारी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक फिर कह रहा हूं जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। आप यहां पर देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर रखी है। यहां पर YouTube की तरफ से कुछ चीजें बताई जाती है जो कि आपको पता ही नहीं होता। छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं जो जिनको पता बिल्कुल नहीं होता, हम और आपको जब पता ही चलता है तब हम वो काम करते हैं और उसके पहले YouTube पर बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता अगर YouTube चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं होता। एक भी रुपए की अर्निंग नहीं हो पाएगी, हम चाहे जितनी वीडियो बनाए कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो चीज समझिए। जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो YouTube क्या क्या चेक करता है, सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है। हमारे चैनल पर सबसे पहले YouTube चेक करता है मेन थीम। मेन थीम क्या होता है मैं आपको एक चैनल पर यहां पर डेमो भी दिखाता चलूंगा साथ साथ, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको अपने YouTube चैनल पर देखना होगा। जैसे मान लो मैं एक चैनल यहाँ पर कोई ओपन कर लेता हूँ, मैं अपना ही चैनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर टेक इंडियन सपोर्ट। मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया आपके सामने, यहाँ पर मैंने अपने चैनल को ओपन कर लिया। अब मेरे चैनल पर जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो मैं ले जाकर देखूंगा और इस पर सबसे ज्यादा लेटेस्ट वीडियो देखूंगा और मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखूंगा। पॉपुलर वीडियो पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे 74,000 व्यूज दिख रहे हैं, एक पर 18,000, एक पर 9,000, एक पर 6,000, एक पर 5,000, एक पर 5,000, एक पर 6,000, एक पर 4,000, ऐसे करके वीडियो दिख रही है। यानी कि ये जितनी भी वीडियो दिख रही है, ये जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल पर, ये सारी वीडियो टेक से रिलेटेड है। मेरे चैनल का थीम क्या होगा, टेक थीम होगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए चैनल का थीम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले समझ चाहिए, सबसे पहले पॉपुलर वीडियो देखना, उसके बाद फिर से पॉपुलर पर क्लिक करना, उसके बाद आपको ओल्डेस्ट वीडियो देखनी, सबसे पुरानी वीडियो देखनी किस टाइप की पुरानी वीडियो है। तो यहां पर आप देख लीजिए ये सबसे पुरानी वीडियो है मेरी, ये सेकंड वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है और ये सारी वीडियो मेरी क्या है, ये सारी वीडियो मेरी टेक से रिलेटेड है। अब यहां पर आपको लेटेस्ट वीडियो देखनी है, लेटेस्ट वीडियो मतलब ये कि जो कल परसों में अपलोड की गई है वो देखना है। तो यहां पर जो कल परसों में मेरी वीडियो अपलोड की गई है वो सारी भी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो, यानी कि मेरे चैनल का थीम टेक्नोलॉजी थीम है। यानी कि मैं अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा या यूट्यूब को वीडियो बताऊंगा तो डिटेल में बता सकता हूं कि मेरे चैनल का थीम टेक्निकल थीम है। मैं कोई और दूसरे का कंटेंट नहीं यूज करता, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं और मेरे चैनल पर कोई भी मिक्स कंटेंट नहीं है। मैं जितने भी कंटेंट डालता हूं सारा कंटेंट अपना ही डालता हूं। तो पहला यहां पर हमें समझ में आता है कि YouTube जो बातें बताता है क्या चेक करना है, वो चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। यहां पर YouTube कहता है मोस्ट व्यूज वाली वीडियो, अभी मैंने आपको बता दिया मोस्ट व्यूज वाली वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मतलब न्यूएस्ट वीडियो, जो न्यूएस्ट वीडियो है वही लेटेस्ट वीडियो। यहां पर देखो YouTube जो बता रहा है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये चार पांच चीजें YouTube बताता है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहां YouTube बताता है मेरे दोस्तों, समझ लीजिए, सबसे पहले आपके चैनल का मेन थीम क्या है, उसके बाद आपके चैनल पर सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियो कौन सी है, उसके बाद आपके चैनल पर जो लास्ट वीडियो अपलोड की है वो कौन सी है, और उसके बाद आपको वो देखनी जिस वीडियो से आपके चैनल पर वॉच टाइम ज्यादा मिला है वो वीडियो कौन सी है, यहां पर ये देखने वाली बात है। और उसके बाद आपके चैनल पर मेटा डाटा, मेटा डाटा क्या होता है, यहां पर लिख रखा है इन्होंने टाइटल थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन आपके चैनल का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन किसी का कॉपी किया है तो आप डिलीट कर देना टाइटल थंबनेल और डिस्क्रिप्शन चेंज करके फिर अप्लाई करना मोनेटाइज के लिए। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट लिख कर ही आएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस मेहनत को सही करने के लिए आपको ये भी बातें बता रहा हूं, इस बातों को फॉलो कर लेना। अब यहां पर एक नया ऑप्शन आया है YouTube की तरफ से, अबाउट का सेक्शन। अबाउट का सेक्शन यहां पर क्या करने के लिए आया है, अबाउट में क्या करना चाहता है YouTube? दोस्तों अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैंने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था, क्योंकि YouTube ने मुझे अपील के माध्यम से बताया था कि अपील में आप अपने चैनल के अबाउट सेक्शन को भी बताइए। तो हमने अपील करते टाइम अबाउट सेक्शन को तो बताते ही बताते हैं, लेकिन आज आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर अबाउट का सेक्शन इसलिए आया है क्योंकि अब आपको आपके चैनल का अबाउट सेक्शन भी बताना होगा। अबाउट सेक्शन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। आप किसी भी चैनल पर आइए, किसी के भी चैनल पर आइए, आप ऐसे ही अपने चैनल के अबाउट सेक्शन पर आना है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं डिटेल में बता रहा हूं, इस चीज को समझ कर काम करना YouTube चैनल अगर आपका मोनेटाइज नहीं हो रहा है, बहुत डिटेल में बता रहा हूं। यहां पर आपको आना है, किसी भी चैनल पर आना है, जैसे मान लो मैं अपने चैनल पर आ गया हूं टेक इंडियन सपोर्ट पर। यहां पर आने के बाद यहां पर क्लिक करना है, कहां पर क्लिक किया मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो कोगे बताया नहीं। यहां पर क्लिक करना है, यहां पर मुझे क्लिक करना है, देखो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं आपके सामने।
यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने चैनल के बारे में लिखना है, आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक लगाना है, आपको यहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और आपको अपने चैनल का URL यहां लगाना है, प्लस आपको अपने चैनल के डिटेल सारी चीजें यहां पर बताकर रखनी कि आप क्या क्या कैसे कैसे काम करते हो। इसका मतलब ये होता है YouTube पर अबाउट सेगमेंट का वर्क, अबाउट सेगमेंट का वर्क आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। यहां पर लिखा हुआ है द अबव आर जस्ट एग्जांपल ऑफ कंटेंट आवर रिव्यूअर मे असेस, नोट दैट आवर रिव्यूअर कैन एंड मे चेक अदर पार्ट्स ऑफ योर चैनल टू सी व्हेन वेदर इट फुली मीट आवर पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि मैं ये चीजें जो बताई है इन चीजों के अलावा भी कोई चीज हमारी टीम चेक कर सकती है, तो अगर आप अपने चैनल पर कोई गलत करेंगे तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। अब यहां पर बात ये आती है, अगर आपका चैनल एक बार के अंदर मोनेटाइज नहीं होता तो क्या दूसरी बार अप्लाई कर पाएंगे या फिर आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा अगर कोई गलती करते हो तो? मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी गलती करते हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर रीयूज आ गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको दो आईडी दिख रही है, दोनों आईडी पर आकर क्लिक करना, मैसेज लिखना और लिखना आई वॉन्ट टू पेंड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल, आप लिख देना, मैं आपको यहां पर मैसेज करूंगा, रिप्लाई भी दूंगा और आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए रेडी भी करूंगा। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप काम करते हो तो यूट्यूब की बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब की पॉलिसी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप जंग में गए हैं तो आपका हथियार मजबूत होना चाहिए। यूट्यूब पर आए हैं तो यूट्यूब के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूट्यूब की जानकारी जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलने वाली है और सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।